तो हे गाइस, कैसे हो सभी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ माइक्रोमैक्स इनटू बी के साथ माइक्रोमैक्स इनटू सी का। तो माइक्रोमैक्स इनटू सी से माइक्रोमैक्स इनटू बी का जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। इसी वजह से इसके अंदर जो स्पेक विजन दिया हुआ है वो थोड़ा सा बेटर देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको इंडियन ब्रांड की तरफ से कोई भी अच्छा खासा स्मार्टफोन चाहिए, वो भी 7.5 से लेकर 9,000 के अंदर, क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होगा या फिर नहीं, और इन स्मार्टफोन पर आपको क्या कुछ खूबियां देखने के लिए मिलता है, सभी बातें इस वीडियो पर बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और दोस्तों वीडियो अगर पसंद है लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ही फोन का डिजाइन लगभग आपको सेम देखने के लिए मिलता है। वेट एंड थिकनेस की बात करते हैं, माइक्रोमैक्स इन टू बी का वेट देखने के लिए मिलता है 119 ग्राम का, और थिकनेस देखने के लिए मिलता है 8.6 mm का। माइक्रोमैक्स इन टू सी की बात करते हैं, थिकनेस देखने के लिए मिलता है 8.6 mm का, और वेट देखने के लिए मिलता है 198 ग्राम का। तो यहाँ पर आपको लगभग सेम देखने के लिए मिलता है, थिकनेस वेट थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है इन टू सी पर। और कलर ऑप्शन की बात करते हैं, तो दोनों ही फोन का कलर आपके सामने शो हो रहा है, आप देख ही सकते हो। और उसके बाद कैमरास की बात करते हैं, तो माइक्रोमैक्स इन टू बी पर आपको 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है f1.8 अपर्चर के साथ, प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। फ्रंट की बात करते हैं, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है, और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, फुल एचडी की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 fps पर। और माइक्रोमैक्स इन टू सी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको मेन सेंसर 8 मेगापिक्सल का दिया हुआ है f1.8 अपर्चर के साथ, प्लस यहाँ पर आपको VGA सेंसर दिया गया है। और उसके साथ फ्रंट की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, तो इसमें भी आप फुल एचडी की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट और बैक पर 30 fps पर। तो दोनों ही फोन की प्राइसिंग के हिसाब से दोनों ही फोन का कैमरा अपने ही अपने जगह पर बेस्ट आपको देखने के लिए मिलता है। डिस्प्ले की बात करते हैं, तो माइक्रोमैक्स इन टू बी का डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलता है IPS LCD पैनल के साथ, 6.52 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, 400 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। और इसकी पिक्सल डेंसिटी की बात करते हैं, 269 PPI की पिक्सल डेंसिटी देखने के लिए मिलता है। माइक्रोमैक्स इन टू सी की बात करते हैं, IPS LCD पैनल के साथ एक डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है 6.52 इंच का HD प्लस, 420 निट्स की ब्राइटनेस, और यहाँ पर भी आपको पिक्सल डेंसिटी 269 PPI की देखने के लिए मिलता है। तो डिस्प्ले एकदम सेम ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन हल्का सा ब्राइटनेस ज्यादा देखने के लिए मिलता है इन टू सी पर। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों ही फोन आपको सेम देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद बैटरी की बात करते हैं, तो दोनों ही फोन पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलता है, 10 वाट की चार्जिंग के साथ टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिलता है। दोनों ही फोन पर आपको सेम देखने के लिए मिलता है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो इस मामले में दोनों ही अपने ही अपने जगह पर ठीक ठाक है प्राइसिंग के हिसाब से। प्रोसेसर की बात करते हैं, तो दोनों ही फोन पर आपको यूनिसॉक का T610 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। और इसकी GPU की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको माली G52 का GPU देखने के लिए मिलता है। और एंटूटू स्कोर की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 170,000 के आसपास आपको एंटूटू स्कोर देखने के लिए मिलता है। रैम एंड स्टोरेज टाइप की बात करते हैं, LPDDR4X दोनों ही फोन पर देखने के लिए मिलता है। eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप दोनों ही फोन पर देखने के लिए मिलता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फोन आपको सेम देखने के लिए मिलता है। प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए, तो इन टू सी का जो प्राइस है इसके अनुसार इसका जो प्रोसेसर दिया हुआ है वो काफी अच्छा आपको देखने के लिए मिलता है। UI एंड एंड्रॉइड वर्जन की बात करते हैं, तो दोनों ही फोन पर आपको एंड्रॉइड 11 देखने के लिए मिलता है। दोनों ही फोन पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाएगा। इस मामले में दोनों ही बिल्कुल सेम है। मल्टीमीडिया की बात करते हैं, मल्टीमीडिया के मामले में दोनों ही फोन आपको सेम देखने के लिए मिलता है। बैक साइड पर आपको स्पीकर देखने के लिए मिलता है, 3.5 mm का जैक भी देखने के लिए मिल जाएगा। और सेंसर्स की बात करते हैं, तो माइक्रोमैक्स इन टू बी पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है, और लाइट प्रॉक्सिमिटी एक्सेलेरोमीटर सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। और माइक्रोमैक्स इन टू सी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको प्राइस थोड़ा सा कम है, इसी वजह से आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए नहीं मिलता, बाकी लाइट प्रॉक्सिमिटी एक्सेलेरोमीटर सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और लास्ट में बात करते हैं प्राइसिंग की, माइक्रोमैक्स इन टू बी का जो प्राइस है वो है 4GB + 64GB का 9,000, और माइक्रोमैक्स इन टू सी का जो प्राइस है वो है 3GB + 32GB आपको 7,500 के अंदर देखने के लिए मिलता है इंट्रोडक्टरी प्राइस। तो आप बात करते हैं कि इन दोनों ही स्मार्टफोन अच्छा है या फिर इससे भी बेटर ऑप्शन आपको मार्केट में देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप प्राइसिंग के देखते हो, तो प्राइसिंग के हिसाब से इन टू सी का जो प्रोसेसर है वो काफी पावरफुल देखने के लिए मिलता है। इस प्राइस रेंज में आपको इतना अच्छा खासा प्रोसेसर देखने के लिए नहीं मिलता। तो अगर आपको खरीदना है माइक्रोमैक्स इन टू सी, तो आप खरीद सकते हो, लेकिन आपको फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए, आपको ज्यादा रैम ज्यादा स्टोरेज चाहिए और अच्छा खासा कैमरा चाहिए, तो आप इन टू बी को देख सकते हो। दोनों ही फोन आपको अच्छा खासा प्राइस पर अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इंडियन ब्रांड की तरफ से कोई भी स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इन दोनों फोनों से किसी भी एक स्मार्टफोन को खरीद सकते हो। प्राइसिंग के हिसाब से अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मैं मिलता हूं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।